गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड नाउ आई एम ऑल्सो फाइन. आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इंटीजर्स. ओके, एंड दिस इज फॉर क्लास सिक्स टू अबव. सिक्स से ऊपर वाले और सिक्स भी पढ़ सकते, सिक्स सेवन एट नाइन. दिस वीडियो इज नॉट फॉर वन टू और फाइव क्लासेस. लेट्स स्टार्ट टू सी. ओके, इंटीजर्स, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स. नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. सी, दिस इज नंबर लाइन. ऑलरेडी आई हैव ड्रोन ऑन द बोर्ड बट आई हैव नॉट रिटेन द इंटीजर्स नंबर्स. आई हैव नॉट रिटेन ऑन द नंबर लाइन. नाउ हाउ टू राइट, यू ऑल वॉच हाउ आई एम गोइंग टू राइट. See, this is zero. This is zero. And D zero. This is zero. This is the middle point. Midpoint, we can say. ये बीस वाली point होती है zero. And zero, neither positive nor negative. Zero का कोई sign नहीं होता है. ना इसके पास minus की sign होती है और ना ही plus की sign होती है. Zero एक ऐसा integer है जो नेगेटिव भी नहीं होती है और पॉजिटिव भी नहीं होती है. नाउ व्हेन वी मूव राइट हैंड साइड वी गेट द पॉजिटिव इंटीजर्स. राइट, दिस इज माय राइट हैंड एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लाइक दिस इनफाइनाइट. ओके, नाउ दिस इज दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स. आई एम राइटिंग ही. ओके, दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नाउ व्हेन वी मूव लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड एंड नाउ आई एम मूविंग लेफ्ट हैंड साइड. सो वी गिव द साइन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन लाइक दिस बी मूव. ओके, एंड दीज आर द नेगेटिव इंटीजर्स. These are negative integers and those are positive integers. But zero, what I'm talking about the zero. Zero neither negative or not positive. Okay, zero जो है वो negative में भी include नहीं है और positive में भी include नहीं है. Means whatever I have drawn on the board, this is number line. And I have written the number. These are positive, where sign is not given, but plus sign is hiding there. वहाँ पे छिपा हुआ रहता है plus की sign. Positive जो भी है integers, उसमें plus की sign छिपी हुई रहती है. Then I have not written. No need to write. But you understand. Okay, समझिए इसको. So these are the positive integers and here negative integers where I have given the sign of minus. Okay, so I hope you all understood, समझ गए आप लोग about the integers and number lines. Number lines पे मैंने आपको बताया कि negative integers left hand side की तरफ होती है when you will move and right hand side positive integers होती है. But zero is the single integers. This is neither negative nor positive. And now एक बात और आपको समझना है कि जब जैसे आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगा, मींस लेस होती जाएगी. और जैसे ही आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो वो आपका वैल्यू मींस नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, इंक्रीज होती जाती है. सपोज कभी आपसे किसी ने पूछ दिया विच इज बिगर, माइनस वन
और जीरो इसमें कौन सा बिगर है? देन जीरो इज बिगर देन माइनस वन, राइट? मीन्स जीरो बिगर है माइनस वन से, जीरो इज बिगर देन माइनस वन. देन सपोज आई एम राइटिंग माइनस टेन एंड हियर माइनस वन, विच इज बिगर, माइनस वन और माइनस टेन? सो हियर माइनस वन इज बिगर देन माइनस टेन. यहाँ पे माइनस वन जो है वो टेन से बिगर है. मुझे लगता है आपको समझ में आ गया. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इंटीजर्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस एंड आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड. मैंने कुछ क्वेश्चन ले ली, मैंने मीन्स लेने जा रही और आपको बताऊंगी कि वो कैसे सब्ट्रैक्ट और एड करते हैं, मीन्स इंटीजर्स का एडिशन बताने जा रही मैं. ओके, सो यू लेट सी नाइसली. सो आई हैव रिटेन फोर क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड एंड वॉट इज दिस? एड, एड करना है. क्या करना है? एड करना है. एंड नाउ सी आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. फर्स्ट यू हैव टू सी देयर साइन. Here minus and plus. There is no same sign, so we don't add. We subtract it. So see, minus 7 plus 5. You think signs are same? क्या दोनों का sign same है? नहीं है ना. अगर sign आपको same नहीं रहे देन यू सब्ट्रैक्ट, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, मतलब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से, यू विल गेट 2. व्हाट विल यू गेट? 2. एंड नाउ सी हियर व्हिच इज बिगर, 5 और 7? 7 इज बिगर. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव और पॉजिटिव. मैं नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स वाली बात नहीं कर रही कि यहाँ पे 5 बिगर है. रियल में 5 बिगर है अगर इंटीजर की बात की जाए तो, जैसे कि अभी मैंने आपको नंबर लाइन पे बताया. लेकिन मैं अब साइन विदाउट साइन पूछ रही, 7 इज बिगर और 5? देन यू विल गेट 7 इज बिगर. सो यू विल राइट ऑलवेज साइन ऑफ बिगर नंबर. तो आप यहाँ पे माइनस लिखोगे. ठीक है, व्हाट विल यू गिव द साइन? बिगर नंबर. कौन से नंबर की साइन दोगे? बिगर वाली साइन आप दोगे. ऑलवेज यू गिव द साइन ऑफ बिगर नंबर. एंड नाउ where you will get the same sign, you will add. Are you understanding? क्या समझ रहे हो आप लोग? मैं बता रही, साइन अगर सेम रहेगा तो आप एड करोगे, साइन अगर डिफरेंट रहेगी तो सब्ट्रैक्ट करोगे. बट ऑलवेज यू राइट द साइन ऑफ बिगर नंबर, वो बिगर वाली साइन आप लिखोगे, राइट? सो सी यो साइन सेम है दोनों का, क्या नहीं है? Here plus sign and here minus means 3 is negative and 8 is positive. So we have to subtract and we get 5. But we write always the sign of bigger number wali sign likhungi main. So I'm writing plus. Think about 3 number. See what is the sign of 9? Already I said about when there is no sign, you think or you understand there plus sign is hiding. वहां पे छिपा हुआ है, प्लस वाली साइन जो है वो छिपा हुआ है. मतलब यहाँ पे प्लस की साइन ऑलरेडी है, मीन्स साइंस आर डिफरेंट. यहाँ पे साइन डिफरेंट है. नाउ वी सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 6, वी राइट 3 एंड वी राइट द साइन ऑफ प्लस, मतलब प्लस का साइन लिखेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. सी साइन दोनों का सेम है, बोथ साइन आर सेम, सो वी एड. 10 प्लस 8 वी राइट 18 एंड साइन विल बी द माइनस, बिगर वाली साइन लिखना है. बेटा ये एडिशन की बात कर रही मैं सबको बता रही, ये एडिशन की बात कर रही. इसलिए इसमें इसको आप ये मत कहोगे मिस आपने तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैम आपने तो सब्ट्रैक्ट कर दिया. यू डोंट से दीज आर नॉट सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन है. अकॉर्डिंग टू साइन हमने सब्ट्रैक्ट और एड किया है. अपने तरफ से हमने माइनस का साइन नहीं दिया. अगर मैं अपने तरफ से माइनस का साइन लिखती हूँ
तो वो सब्ट्रैक्शन होगा, बट ये क्या है, एडिशन है। मैंने सब्ट्रैक्ट किया है बट देयर साइन, उसके साइन के अकॉर्डिंग मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, बट ये एडिशन है। ओके, आई एम राइटिंग टू और थ्री क्वेश्चंस मोर, सो सी सी यू नाउ। आई हैव गिवन टू मोर क्वेश्चंस, सी हियर 5x एंड हियर -3, क्या इसको एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यू मे आस्क द क्वेश्चन व्हाई, पूछो क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, यहां पे x नहीं है, देयर इज नो x, बोथ आर नॉट सेम टर्म, दोनों एक सा लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, दैट्स व्हाई बी लीव, इसको छोड़ देंगे ऐसे, इसमें एड नहीं होगा और ना सब्ट्रैक्ट होगा। समझ गए क्यों नहीं होगा, देयर इज x 5x बट हियर ओनली 3 नॉट x, सो बोथ आर नॉट लाइक, एक तरह का नहीं है, तो उसमें ना एडिशन होगी और ना सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। नाउ सी हियर, हियर ऑल्सो a एंड हियर ऑल्सो a, दोनों के पास a है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ तो होगा। अब होगा क्या, एडिशन होगी कि सब्ट्रैक्शन होगी, वो भी सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात बेटा नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस की साइन छिपी हुई रहती है, हाइट रहती है, मैंने बताया है, तो दोनों के पास प्लस की साइन है, ऑलरेडी साइन प्लस का है, सेम साइन है, बी एड, इसको एड करेंगे, 7 + 3 बी राइट 10 एंड ए शुड बी देयर, ये भी रहेगा, होनी चाहिए, ए रहेगी यहाँ पे एंड बी राइट साइन ऑफ बिगर नंबर। समझ गए आप लोग मैंने कैसे बताया है, एक दो क्वेश्चन और मैं लिख दे रही। सी वन मोर क्वेश्चन आई हैव रिटन, 7y - 2y, राइट। नाउ फर्स्ट यू सी बोथ आर लाइक और नॉट, सेम दोनों है कि नहीं है, तो आपको देखना है पहले, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, मतलब सेम है। अब दूसरा क्या देखना है, साइन सेम है या डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, कैसे, यहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ है, मतलब प्लस की हाइट रहती है, देन साइन तो डिफरेंट है, अब क्या करेंगे इसको, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, 7y - 2y वी गेट 5y एंड आई सेड बिफोर ऑलवेज वी राइट द साइन ऑफ बिगर नंबर, सो वी राइट साइन ऑफ बिगर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव टोल्ड अबाउट द इंटीजर्स, नंबर लाइन, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड वन मोर इंटीजर विच इज नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, एंड नाउ आई टोल्ड हाउ टू एड इंटीजर्स। अगर बोर्ड पे रहेगी तो, कहीं पे क्वेश्चंस रहेगा तो आप कैसे बनाओगे, फिर से मैं बता दे रही, साइन अगर सेम रहेगा बी एड, साइन डिफरेंट बी सब्ट्रैक्ट, बट ऑलवेज वी राइट द साइन ऑफ बिगर नंबर, बिगर वाली साइन लिखेंगे। पता है बहुत सारे क्या करते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन का रूल्स ला करके माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं है, सेम साइन ऐड करो बट साइन ऑलवेज यू राइट द बिगर नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इंटीजर्स, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।